What's up guys? Finally, आप सबको पता लग चुका है कि इंडिया के साथ फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ रही है वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश करने के लिए। इंडिया जीतेगी भैया, दुआएं करते रहना। और बाकी कल का मैच मैं कहूंगा एक बार फिर से साउथ अफ्रीका ने प्रूव कर दे कि वो उनको चोकर्स क्यों कहा जाता है। जबकि अगर थोड़ा सा भी शुरुआत अच्छी कर लेते ना ये टीम तो कल ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ इन्होंने बॉलिंग में फंसा दिया था, वहीं रन कम पड़ गए भैया, यही चीज। बाकी देखते पूरी वीडियो आज के स्टाइल में। 1 2 1 2 3 गो। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि साउथ अफ्रीका वाले चोक कर जाते, असल में ये लोग अपने फैंस के साथ जोक कर जाते। कल सेमीफाइनल में उनकी परफॉर्मेंस एक जोक ही थी, जिसपे साउथ अफ्रीका को छोड़कर सारी दुनिया हंस रही है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है रौनक, रणतंत्र में स्वागत। कल इंडिया में दो तरह के लोग थे, एक वो लोग जो दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया से सख्त नफरत है, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल नहीं खेलना चाहते क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच खेलने का एक्सपीरियंस है। दूसरे वे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से फाइनल खेले, क्योंकि भाई कुछ 90s के दशक के बच्चे जो अभी तक सीने में 2003 वर्ल्ड कप फाइनल का जख्म लेकर जिंदा हैं और उनको रिकी पॉन्टिंग का बदला पैट कमिंस से लेना है। मैं पहली वाली कैटेगरी में था। साउथ अफ्रीका वालों एक बात बताओ यार, दिक्कत क्या है? सीरियसली पूछ रहा हूँ, मुझे वन ऑन वन बात करनी है तुमसे। बबूमा को छोड़कर किसी को भी भेज दो, क्या दिक्कत है तुम लोगों को सेमीफाइनल से? तुम्हारे यहाँ कोई डाकू वाकू का नाम सेमीफाइनल है क्या? वहां पर तुम लोगों की माताजी ने बचपन में तुम्हें ये बोला है क्या कि सो जा बेटा वरना सेमीफाइनल आ जाएगा? या फिर कोई हॉरर फिल्म होगी जिसमें किसी भूत प्रेत पिशाच का नाम सेमीफाइनल होगा? बताओ, कुछ तो बात है। अगर साउथ अफ्रीका से कोई देख रहा है तो मुझे बताए कि सेमीफाइनल और तुम्हारी क्रिकेट टीम का क्या चक्कर है? अच्छा चलो, ये नहीं पता तो यही बता दो कि बबूमा तुम्हारी टीम में आया कैसे और आकर कप्तान कैसे बन गए बबूमा? किसी को पता है तो जरूर बताना, क्योंकि कल तो बबूमा भाई ने टॉस भी जीत लिया था और पहले बैटिंग भी कर ली थी, लेकिन लॉर्ड बबूमा को शायद किसी ने ये बताया है कि कप्तान खुद नहीं करता, करवाता है, इसीलिए बबूमा ने भी बल्लेबाजी खुद नहीं करी, बाकी टीम के ऊपर करने के लिए छोड़ दी, खुद बिना रन बनाए वापस चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि टीम अपने कप्तान को फॉलो करती है, इसलिए बाकी के बैटर्स भी अपने कप्तान को फॉलो करते हुए वापस पवेलियन जाने लगे। ऑस्ट्रेलिया वालों की गेंदबाजी देखकर हसन रजा को एक बार फिर डाउट हुआ होगा कि लगता है जो गेंद आईसीसी अभी तक भारतीय गेंदबाजों को दे रहा था वो सेमीफाइनल में गलती से ऑस्ट्रेलिया के हाथ लग गई। बताइए, पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहे स्टार्क, फाइनली फॉर्म में आ गए। 12 ओवर तक आते आते साउथ अफ्रीका के 4 विकेट चले गए थे और रन बने थे मात्र 24। ऐसे में जो नए बल्लेबाज आ रहे थे वो चाहकर भी अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल पाए और यही हुआ डेविड मिलर और क्लासन के साथ, जो कि वैसे तो बड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन कल पार्टनरशिप की खातिर उनको धीमे खेलना पड़ा। उन्होंने 95 की पार्टनरशिप तो करी, लेकिन ट्रेविस हेड ने क्लासन को बोल्ड मारकर दिखा दिया कि कोलकाता के पिच में स्पिनरों के लिए बहुत कुछ है। हालांकि पहली पारी की हाईलाइट डेविड मिलर ही थी, वैसे तो वो किलर मिलर है, लेकिन कल वो राहुल द्रविड़ की तरह डिपेंडेबल मिलर बन गए और साउथ अफ्रीका के लिए वन मैन आर्मी साबित हुए। उनके 116 गेंद में बनाए गए 101 रन की ही बदौलत थोड़ी बहुत इज्जत बच गई लॉर्ड बबूमा की, वरना कल रात को ही कोलकाता से केप टाउन की उनकी टिकट कट जाती। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचने के लिए 213 रन का टारगेट मिला था, जो कि उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट आया ओपनिंग पार्टनरशिप में, जब वार्नर और हेड की जोड़ी ने पहले 6 ओवर में ही 60 रन जोड़ दिए, क्योंकि इसके बाद वार्नर का विकेट तो गिरा लेकिन हेड ने तब तक ऑस्ट्रेलिया को वही शुरुआत दे दी थी जो रोहित शर्मा अब तक भारत को देते आए हैं। शर्मा जी के लड़के के लिए तालियां बजनी चाहिए, बिल्कुल कमेंट में तारीफ भी। एक छोटे टारगेट में से 60 रन जा चुके थे और 44 ओवर बाकी पड़े थे। हेड यहां पर भी नहीं रुके, 48 में 62 की मैच डिफाइनिंग पारी भी खेल कर गए। हालांकि साउथ अफ्रीका वालों को समझ में आ गया था कि इस पिच पर स्पिनर चल रहे हैं, तब रे शमसी और केशव महाराज ने बढ़िया जाल बोला। महाराज ने ट्रेविस हेड, जबकि शमसी ने लबुशेन और मैक्सवेल को निपटाया। एक टाइम पर लगा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा और ऑस्ट्रेलिया वाले चोक हो जाएंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा साउथ अफ्रीका की जनता से कि बता दो कि तुम्हारा और सेमीफाइनल का क्या नाता है, क्योंकि कैच के इतने सारे चांस बने लेकिन सारे हाफ चांस थे। गेंद 1-2 इंच आगे पीछे होती तो फील्डर के हाथ में आ जाती, लेकिन जब किस्मत में लिखे हो हथौड़े तो कहां से खा लोगे पकोड़े। कोशिश काफी अच्छी करी साउथ अफ्रीका ने, लेकिन लगातार चौथे सेमीफाइनल का फाटक नहीं तोड़ पाई और पहली बार फाइनल में पहुंचने से महरूम रह गई, मिस हो गया। इसका मतलब यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में 19 नवंबर को फाइनल खेलेंगे। जो लोग ये चाह रहे थे कि 2003 का बदला लिया जाए, तो लीजिए घड़ी आ गई है। 19 नवंबर की रात को या तो हमें लाइफ टाइम मेमोरी मिल जाएगी या फिर जिंदगी भर के ऐसे घाव मिलेंगे जो किसी मरहम से नहीं जाएंगे। जो भी होगा अब हम 19 को ही देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो सवाल मैंने ऊपर पूछा, अगर आप में से किसी के पास उसका जवाब हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं हो भाई ब्लॉकबस्टर नाइट होने वाली है उस दिन तो। और मैं यही कहूंगा यार, यहां तक आके फिर अगर कुछ 19 भाई हर चीज की तैयारी कर लो,
मंत्र अपने ले लो, चाहे हार्दिक पांडे को पूछ लो कि इंस्टा पे आके सबको मंत्र बता दे वो, ताकि सब लोग जप ले, कुछ भी है चाहे प्रे करो अपने भगवान से। लेकिन इंडिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, इंडिया कॉन्फिडेंस के साथ गई। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है भाई, वो हमेशा चढ़कर खेलने वाली टीम, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जीते हैं तो एक सेटिस्फाइंग विक्ट्री कल नहीं थी उनकी, बैटिंग वाइज बैटिंग उनकी डावाडोल सी हो गई थी। तो ये चीज़ है, तो इंडिया सारे मैच जीते कॉन्फिडेंस के साथ है। ऑस्ट्रेलिया वहीं पर पहुंच तो गई है, थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए पहुंची मैं ये कहूंगा, लेकिन भैया एक दिन होता है वो, उस दिन जो बढ़िया कर जाते हैं ना वो ही इतिहास रच देता है, समझ रहे हो। लोग कहेंगे एक ही मैच से क्या वर्ल्ड चैंपियन डिसाइड होती, यही चीज तो है कि आप जो काम करते आए हो उसने आपको यहाँ स्टेज तक पहुंचाया है। जैसे आप फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज तक जाते हो फिर आपको नौकरी मिलती है ना, तो वैसे ही सफर करके आज आप वर्ल्ड कप जीत रही कगार पर, और वो डे वो इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे होता है। जैसे कोई इंटरव्यूज देते रहता है फिर एकदम से उसकी जॉब लग जाती है, तो वैसे ही है ये हमारा फाइनल वो है, इंटरव्यू कह लो कुछ भी कह लो, हमें ये जीतना है और हम जीत जाएंगे तो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे हम। कपिल देव कैप्टनशिप में, एम एस धोनी कैप्टनशिप, अरब रोहित शर्मा कैप्टनशिप में हो जाएगा भैया। बस उस दिन भाई देखो अच्छा मैच जब होगा ना दुआओं में असर होता है, ये चीज याद रखना, और पॉजिटिव रहेंगे हर चीज को लेके, और भाई उस दिन मजा आ जाएगा। अगर धुआंधार इंडिया, मैं तो कहूँ इंडिया एक तरफा जीते भैया, डोमिनेशन देखनी है इंडिया की, हाँ डोमिनेशन देखनी है। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।